भारी बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों की धान की फसल काफी हद तक प्रभावित हुई है और ऐसे में किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से यहां किसानों के लिए एक राहत देने की कोशिश की गई है, जिसमें हरियाणा ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से धान के निर्धारित स्पेसिफिकेशन और मिल्ड चावल यानी टूटे, खराब और बदरंग हुए चावलों में छूट देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि हरियाणा में जो धान खरीदा गया उससे निर्धारित मानकों का चावल नहीं निकाला जा सकता है और अपने पत्र में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में धान के स्पेसिफिकेशन की में 64% चावल की प्राप्ति, 5% खराब और 5% बदरंग अनाज और टूटे दानों में 30% तक की छूट दी जाए और छूट दिए बिना राज्य के लिए धान मिल्ड कराना और केंद्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड राइस देना बेहद मुश्किल होगा। अभी जो अचानक बेमौसमी वर्षा हुई है उसके कारण से धान का बहुत नुकसान हुआ है। धान का जो बीज है, धान की जो फसल है, उसके नुकसान के कारण से कुछ पैरामीटर्स हमने FCI की जो परचेज है उसमें ढील दी जाए। उन पैरामीटर्स के ढील देने के बाद किसानों का जो सारा धान है वो खरीदा जाए, इस प्रकार का मैंने पत्र लिखा। मैं विश्वास करता हूँ कि FCI के माध्यम से खरीदे जाने वाला धान है उसमें ये छूट दी जाएगी ताकि किसानों उसका लाभ।